कराची में मानसून बारिशों का पहला स्पेल, बारान रहमत सहमत बन गई। जरा सी बारिश ने इंतजामी के दावों की कली खोल दी। नदी नाले उबल पड़े, शहर की कई सड़कें डूब गईं, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। गुलशन चौरंगी पर निकासी आप का निज़ाम तरहम बरहम। आवाम शदीद मुश्किलात पर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। पानी तो अभी सीवरेज का निज़ाम ही ख़राब है, तो पानी तो होना ही है। और यहाँ तो ज़रा सा एक बूंद गिरती है तो पानी ऐसा, बिजली गायब हो गई। बारिश से पहले बिजली गायब हो गई। ये सिंध गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है, कोई इनको इस तरफ कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, उनको अपनी अपनी पड़ी हुई। बस कम अज़ कम थोड़ा सा आवाम को देखना चाहिए ना। कुछ भी बारिश नहीं हुई है तो देखा जाए तो, अभी तो बारिश बाकी है। अभी ये हालत तो कल को होगा तो फिर क्या होगा। पीछे से नदी के पानी आ रहे हैं, सारा बंगलों के अंदर आ रहा है, इधर फिर रोड से आ रहे हैं। काम बिल्कुल है नहीं, सबकी काम नहीं है। जब बारिश हो गया रोड सारा पानी से भर जाते हैं। एक महीने तक इसी तरह पानी चलता रहेगा इन रोडों के ऊपर, इसका कोई सद्भाव ही नहीं किया हुआ, अभी क्या कर सकते हैं। पीछे से वो सब नालों से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, गलियों में बहता रहता है। इतनी परेशानी है कि आप मोटरसाइकिल पर नहीं आ सकते, ना गाड़ी पर आ सकते, पैदल तो आप चल नहीं सकते। जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है उसका ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि ये देखें ना, नालों का हाल देखें। हम नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं या नकासी है, आपका कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ बरसाती नाला और दूसरा जो नाला है उनमें एक ही फ्लो जा रहा होता है। हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद है, हमारे यहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।